Friends, today we are going to start the sixth poem of your textbook for ninth class. The name of the poem is On Killing a Tree. That's written by G. Patel. So G. Patel was born in 1940, in important presence in the history of modern Indian poetry in English. He was a poet, playwright and a painter, and as well as doctor by profession. तो इसने बहुत सारी books लिखी हैं poetry की, मतलब जीव पटेल ने बहुत ही famous poet था. तो उनमें से जो एक poem उसकी जो हैं वो हैं On Killing a Tree. That's also written by जीव पटेल. So हमें अब इस poem की इस पे देखना है कि ये On Killing a Tree, जब हम एक पेड़ को मारते हैं, तो आपने बच्चों ये सुना होगा कि हम एक पेड़ को मतलब कट करते हैं, काटते हैं, लेकिन आप ये मारना और काटना तो इसमें क्या फ़र्क है एक ट्री को जब मतलब मारते हैं. सो ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस. द पोएम कंटेन वर्ड्स एंड इमेज सजेस्ट ऑफ द वॉयलेंस ऑफ दिस वॉयलेंस. ये जो एक पेड़ बढ़ता है, जब इसकी ग्रोथ होती है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन उससे भी द सेकेंड फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ये है लॉन्गर प्रोसेस, लेकिन उससे भी बड़ा प्रोसेस क्या है जब हम एक पेड़ को मारते हैं. तो इस पोइम में हमें बताया गया है कि ऐसे वर्ड्स कि किस तरह एक पेड़ पे हम मतलब उससे ज़ख्मी कर देते हैं, उससे हर्ट कर देते हैं, उससे मारते हैं, तो किस तरह वॉयलेंस क्रिएट होती है, किस तरह तशद्दुद क्रिएट हो जाता है. तो किस तरह हम जब हम एक जो ये हमारे नेचर में आता है कि हम नेचर को हर्ट करते हैं, जिसकी हमें मतलब हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. So dear students, let's start the reading of this poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So, in the first stanza, the poet wants to tell us. The poet wants to tell us that it is not easy to kill a tree. ये कोई आसान काम नहीं है. It takes a lot of time. ये इसको मारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो नॉट इट टेक्स मच टाइम टू एक दरख्त को मारने में, इसको किल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो यहाँ पे हमें मतलब शायर ये इसकी इंटरनल एक्सटर्नल मीनिंग है. जब हम इसको इंटरनल मीनिंग उसकी निकालते हैं, पोइट ने हमें किसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया है, तो इसमें पोइट हमें कहना चाहता है कि एक शायर ने एक दरख्त को एक इंसान के साथ कंपेयर किया गया है कि जो उसमें मतलब इवल्स होते हैं, जो उसमें बुराइयां होती हैं, मतलब इस जिसने उसके रूट्स पकड़ लिए होते हैं, वो बहुत गहरी जड़ों वाली बुराइयां एक इंसान में होते हैं, एक दरख्त की तरह, जिस तरह एक दरख्त की जड़ ज़मीन में मतलब बहुत ही मजबूती से उसने ज़मीन को पकड़ के रखा होता है, इसी तरह इंसान में मतलब बुराई है जो उसकी जो जिस तरह पेड़ के दरख्त की जड़ ज़मीन को मजबूती से, इसी तरह एक इंसान में बुराइयाँ होती हैं. तो इस मतलब जिसके जड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं दरख्त की तरह, तो किसी दरख्त को मारने के लिए सिर्फ उसको काटने से वो नहीं मर जाता है. सिर्फ हम इसको एक कुल्हाड़ी से काटेंगे तो उससे नहीं मर जाता, लेकिन किसी दरख्त को मारने के लिए उसे जड़ से उखाड़ना
पड़ता है, उसे जड़ से, उसे रूट से अपरूट करना पड़ता है। इसी तरह जब भी इंसान में कोई बुराई जन्म लेती है तो उसे हमें जड़ से ख़त्म करना, वरना वो बुराई फिर से, मतलब वो इंसान फिर वो पैदा होती है, फिर से वो वही करना चाहता है। इसी तरह एक दरख्त को एक इंसान से कंपेयर किया है, जिस इस तरह एक दरख्त को हम रूट से उखाड़ते हैं तब वो मर जाता है, इसी तरह इंसान में, इंसान को अपनी बुराइयों का खात्मा उसे जड़ से करना पड़ता है। इट टेक्स, अब हम इसके एक्सटर्नल में, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, सिर्फ दरख्त को हम एक नाइफ से, एक चाकू से एक कट, एक ही जैब, हियर मींस मतलब सडन रफ ब्लो, एक ही मतलब बार मारने से वो दरख्त नहीं मर जाता, वो पेड़ नहीं मर जाता है। तो इस तरह इंसान में आधी हुई दबी हुई बुराइयाँ फिर से जाहिर हो सकती हैं, इस वो उसमें अच्छे से नहीं मर जाती। इसी तरह एक दरख्त को हम नहीं काट सकते हैं ऊपर से ही, उसकी जो कुंपले, उसकी जो, वो फिर से उग सकता है, वो फिर से उग सकता है। विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि जो दरख्त होता है वो ज़मीन से बहुत सारा मतलब मॉइस्चर, न्यूट्रेंट, सॉइल से ये हासिल करता है आहिस्ता आहिस्ता, जिससे वो मतलब जो इसके लिए गज़ा का इस्तेमाल वो करता है, अपनी ज़मीन से वो कंज्यूम करता रहता है, राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग, जो उसका गज़ा बन जाता है, अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब करता रहता है रेयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर ऊपर से, तो एंड आउट ऑफ इट स्लेपरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। तो यहाँ पे हमें ये कहने की ज़रूरत है कि आप देखो, एंड ऑफ इट इस लेप्रस हाइट, जो इसी लेप्रस हाइट, ईयर्स ऑफ सनलाइट, जो इसने सालों साल उसको लगे होते हैं कि वो मतलब हासिल करता है सनलाइट से, एयर, वाटर, वो अपनी खुराक हासिल करता है, वो ज़मीन की इस गहराई से बहुत मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़मीन की ऊपर वाली सतह में अपनी खुराक बनाता है, उसी में उगता है, कई सालों तक ये सूरज की रोशनी को, हवा, पानी को चूसता रहता है और उसकी छालों से पत्ते निकलने लगते हैं। ये छाल, ये जो बाग होती है, ये छाल ऐसे मालूम होते हैं मानो ये किसी को कोड का शिकार होती है। फॉर एग्जांपल ये जो लेप्रस है, ये लेप्रस, लेप्रसी एक डिजीज़ का नाम है, लेप्रसी, तो ये जो मतलब देयर इज अ स्मॉल पैट्स ऑन द स्किन, इस तरह जब इंसान के एक स्किन पे ये निकलता है, ये छोटे स्मॉल पैट्स होते हैं एक स्किन पे, तो जिस तरह एक इंसान को ये बीमारी लग जाती है तो उसकी काली मतलब वो धब्बों के निशान निकलते हैं। इसी तरह जो पेड़ का वो ट्रंक होता है, उसका जो दरख्त का तना होता है, उस पर मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे लेप्रसी उसके स्किन, वो जो उसकी बाग होती है, वो जो स्किन उसकी डिफरेंट, जैसे वो डिजीज़ होती है मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिस तरह लेप्रसी मतलब एक डिजीज़ का नाम है डिसकलर्ड हेयर, दैट मीन्स डिसकलर्ड बाग, मतलब उसका एक ही कलर नहीं होता है, कि जो उसका तना होता है, जो उसका ट्रंक होता है, आप देखो किसी जगह वो पूरा ब्राउन कलर, किसी जगह ब्राउन कलर नहीं होता है, वो डिसकलर्ड बाग, हियर मीन्स डिसकलर्ड बाग, स्प्राउटिंग मीन्स वहाँ से वो उसके जैसे लगता है कि कोड का शिकार हुए हैं, वहाँ से वो स्प्राउटिंग लीव्स, वो वहाँ से वो छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो डियर, तो यहाँ पे हमने आज जो फर्स्ट स्टेंजा है इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह एक ट्री को, एक पेड़ को हम मारने की कोशिश करता है एक ही ब्लो से, रफ ब्लो से, लेकिन वो नहीं मर जाता है क्योंकि उसको सालों साल लगे होते हैं ज़मीन से कंज्यूम करते हुए, मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, वाटर तो एब्जॉर्ब करते हुए सालों साल लगे होते हैं, लेकिन उसकी जो मतलब डिसकलर्ड बाग जैसे लगते हैं, वहाँ से भी वो पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उस तो यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया है कि एक इंसान में भी इस तरह बुराई, गहरी जड़ों वाली बुराइयाँ होती हैं, इसको मतलब जब जड़ से उखाड़ना पड़ता है तो इस बुराई को जड़ से हमें ख़त्म करना पड़ता है, वरना वो बुराई फिर से जाहिर हो सकती हैं। सो आज की इस लेक्चर में हमने सिर्फ फर्स्ट टेंजा एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टेंजाज एक्सप्लेन करेंगे।
तो आज आज हमने ये फर्स्ट सेंटेंसा इसका एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जांपल लेप्रस हाइड हियर मींस हाइड, लेप्रसी मींस डिजीज, हाइड मींस वो स्किन जो मतलब ट्रंक पे होता है, तो सो मतलब पेड़ के मतलब डिसकलर्ड बाग. सो थैंक्स.